नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं मैं आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त है, आज देश आज़ाद हुआ था और आज ही के दिन पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने इस धरा पर अवतार लिया था। इसी अवसर पर आज डेरा सच्चा सौदा की साध संगत पौधारोपण कर रही है और रक्तदान कैंप लगा रही है। आज डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने सिरसा में हजारों पौधे लगाए हैं। जिस पौधारोपण अभियान में डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने विभिन्न वैरायटीज के पौधे लगाए हैं और उनका एक सुर में कहना है कि चूंकि वातावरण को आज पौधारोपण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, पेड़ लगाए जाने और पेड़ बचाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक पेड़ 7 व्यक्तियों के लिए ऑक्सीजन जनरेट करता है। पर्यावरण बचाने के साथ साथ इंसानियत के लिए भी पौधारोपण करना और रक्तदान करना आवश्यक है, क्योंकि इस कोरोना काल में जहाँ बहुत से लोग आज भी घरों में दुबके हुए हैं और अपनी जो है ज़िंदगी के लिए सोच रहे हैं, वहीं डेरा सच्चा सौदा की साध संगत नियम कायदों का पालन करते हुए कोरोना के तहत जो गाइडलाइन जो है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों द्वारा जारी किए गए हैं, उसी के तहत पौधारोपण का एक अभियान चलाया गया है। आइए देखें ये रिपोर्ट। एक स्वस्थ पेड़ हर दिन लगभग 230 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे 7 लोगों को प्राणवायु मिल पाती है। यदि हम इसके आसपास कचरा जलाते हैं तो इसकी ऑक्सीजन उत्सर्जित करने की क्षमता आधी हो जाती है। इस तरह हम 3 लोगों से उनकी जिंदगी छीन लेते हैं। आज पेड़ों की कटाई पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, इसलिए पौधे लगाने के साथ साथ हमें पेड़ों को बचाने की भी ज़रूरत है। इसके लिए हमें जागरूक होना होगा। बता दें कि पेड़ लगाने से 5 फायदे होते हैं। पहला, यह ऑक्सीजन के जरिए मानव जीवन को बचाती है। दूसरा, यह मिट्टी के क्षरण यानी उससे धूल बनने से रोकता है, जमीन से उसे बांध के रखता है, भूजल स्तर को भी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा यह वायुमंडल के तापक्रम को भी कम करता है। पेड़ों से आच्छादित जगह पर दूसरी जगह की अपेक्षा 3 से 4 डिग्री तक तापमान कम होता है, इसलिए अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि मानव जाति को बचाया जा सके। मेरा नाम नीरू इंसा है, मैं प्रीतनगर यहीं सिरसा से हूँ। आज सबसे बड़ा दिन डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं के लिए माना जाता है, इस मौके पर पौधा लगाकर आप कैसा फील करते हैं? पौधे तो हमेशा लगाएं, जैसे बचपन से अपने बड़ों को भी देखा, अपने खेत में लगा दिया कोई पौधा यार, लेकिन एक पौधारोपण करने का जो महत्व है ना, वो रियल में पिताजी ने समझाया, मतलब डॉक्टर MS जी ने, कि भी इसकी वैल्यू क्या है, एनवायरनमेंट इससे दूषित नहीं होगा, भी पर्यावरण शुद्ध होता है, लोगों के लिए कितना जरूरी है। आज की उसमें धुआं ये चीज़ें जो चल रही हैं, भी वातावरण दूषित होता जा रहा है, पौधारोपण लगाएंगे तो उससे एनवायरनमेंट अपना साफ बनेगा, जिससे रोग बीमारियां बहुत ज़्यादा दूर होंगी। हमारे गुरु जी ने बताया है, उनका जन्मदिन भी है और इंडिपेंडेंस डे भी आज, तो कहते हैं कि आज के दिन पौधा लगाएं। पौधा तो हमेशा लगाएं, ऐसे ही बच्चे की तरह इनकी संभाल करनी है और ऐसे ही पौधा लगाना है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, लोग पौधा लगा के चले जाते हैं, लेकिन एक जो है सबसे बड़ी बात रहती है डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं की, वो पौधा लगाते हैं तो उसको बच्चे की तरह पालते हैं और वो बड़ा भी होता है, उसको पूरी संभाल की जाती है। फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग लगा देते हैं लेकिन उसके बाद संभाल नहीं होती, लेकिन आप जो है आप लोग पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? ये हमारी गुरु जी के द्वारा दी गई शिक्षा है, ये एक दो लोगों की बात नहीं, ये करोड़ों लोगों ने जिन्होंने नाम की दात ली हुई है, ये सभी लोगों ही इस पे अमल कर रहे हैं। आज पूज्य गुरु जी साथ में नहीं है, दैहिक तौर पर यहाँ पर नहीं है, आप उन्हें मिस करते हैं या उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? डेरा सच्चा सौदा में गुरु जी की आज भी जरूरत ही जरूरत है। अगर उनको 2 शब्द आप कहना चाहेंगे क्या कहेंगे? आज उनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू पिताजी। आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मेरा नाम मिंटू इंसा है जी, मैं लालडू ब्लॉक जिला मोहाली तो आया हूँ जी। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ जी, इलेक्ट्रिकल। आज हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है, इस दिन हमारे पूज्य हजूर पिताजी का जन्मदिन होता है। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं अम्बाला सिटी हरियाणा से हूँ जी। अनिल जी, इस धरती को बचाने के लिए पौधा रोपण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जंगलों की कटाई हो रही है और वातावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे असामयिक बाढ़ें आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं, बहुत सारा नुकसान जो है इंसान झेल रहा है। तो आपको लगता है जो ये पूज्य गुरु जी ने मुहिम शुरू की है, ये वाकई में ही वातावरण को बचाएगी?
हाँ जी सर, 12 सही कहा आपने। हमारे गुरु जी का जो अवतार महीना जन्मदिन बर्थडे आता है, इस पे हम बहुत सारे नेक सेवा मानवता भलाई का कार्य करते हैं। उनमें से एक पौधारोपण, पौधारोपण हम ही नहीं, हमारा हरियाणा नहीं, पंजाब नहीं, पूरा भारत नहीं, पूरे विश्व भर में यह पौधारोपण किया जाता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम यही कर रहे हैं, पूरे विश्व भर में होता है और यह सिर्फ पूज्य पिताजी की रहमत के उनकी शिक्षा पर चलते हुए हम करते हैं और बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य करते हैं। आपको लगता है कि जो अब इंसानियत के साथ साथ मानवता बचाने के साथ साथ जो वातावरण बचाने की जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा युवा के कंधे पर है, आप युवा हैं और आपको लगता है कि अब युवा को और आगे आना चाहिए और पौधारोपण जैसे अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए? हाँ जी हाँ जी, ये बहुत बढ़िया बात की है भी आपने। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा और युवा है जो देश में हमारे, वो नशे की तरफ जा रहे हैं। बल्कि आप ये देखिए जो हमारे डेरे से जुड़े हुए युवा हैं जो वो पिताजी से प्रेरणा लेकर बहुत मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, लोगों की शादियाँ करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। इसमें ये सब हम पूज्य पिताजी से प्रेरित होकर ही कर रहे हैं। जैसे कि और आपको बताएं कितने कार्य बताएं, बहुत ज़्यादा कार्य किए हुए हैं, इसलिए यूथ तो बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि हमें नशों से बचा रखा है, अच्छे कामों पे लगा रखा है, इसका पिताजी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमें बचा रखा है यूथ को। सबसे पहले तो मैं आपको हमारे गुरु जी के जन्म दिवस की बधाई देता हूँ जी। और जो आज का दिन है हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व है कि हमारे गुरु जी का आज जन्म दिवस है और जिसके लिए हमें जो गुरुजी ने शिक्षा दी है उसके उसी रास्ते पे चलते हुए हम आज पौधारोपण कर रहे हैं। और जो पौधारोपण करते हैं हम, उससे हमें जो खुशियां मिलती हैं, जो हमारे दुख कटते हैं, जो हमारे घर परिवार में सुख शांति आती है, उसका हम कह सुन के कह सुन से परे है। आज हमारे पूजनीय गुरु संत गुरमीत डॉक्टर राम रंग सिंह जी का जन्मदिन है जी, तो उस जन्मदिन को जो है सारी साध संगत पौधे लगा के मना रही है, जैसे उनकी शिक्षा रही है और रहेगी। तो उसी पर था आज शाह सतनाम जी नगर यहाँ पे खेतों के अंदर पौधे लगाने आया है, तो हजारों की तादाद में सारी साध संगत ने मिलकर सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं, तो अब तक पौधे लगाए हैं और सभी ब्लॉकों में सभी जगह लाखों की तादाद में आज के दिन पौधे लगेंगे जैसे हर साल लगते रहते हैं। जन्म से लेके मरने तक का कैसे जीना है, क्या समाज में करना है, कैसे लोगों का भला करना है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरे लोगों के लिए भी जीने, यही शिक्षा उनकी शुरू से रही है और उसी पे साथ संगत और हम अमल कमा रहे हैं जी शुरू से कि तक अब तक भी उनकी यही शिक्षा है, जैसे उनको पत्रों के द्वारा दी या अपनी साथ संगत को मैसेज के द्वारा दिया, यही शिक्षा देते हैं। जहाँ भी कोई है, जो भी हमने बताए आपको मानवता भलाई के कार्यक्रम, वो बढ़ चढ़ के करोड़ संगत बढ़ चढ़ के कर रही है। आज का शुभ दिन पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह सिंसा जी का अवतार दिवस है, इसको साथ संगत बड़ी खुशी उल्लास के साथ पौधारोपण करके मनाती है, क्योंकि आज का समय प्रकृति पर बहुत ज़्यादा दबाव है जिसके कारण पानी का लेवल बहुत नीचे तक पहुंच चुका है, जिस कारण पूरी सृष्टि को इस चीज़ का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए पूजनीय हजूर पिता जी की शिक्षा पर चलते हुए साथ संगत इस दिन को, शुभ दिन को पौधारोपण करके बड़ी खुशी उल्लास के साथ मनाती है जी। जी, पौधारोपण डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत निरंतर करती है, चाहे किसी का जन्मदिन हो या कोई घर में किसी भी तरीके का फेस्टिवल हो। आप अगर डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत की जो है हल्की सी झलक देखेंगे तो आपको अखबारों में और सोशल मीडिया पर काफ़ी देखने को मिलेगी। आज पूज्य गुरुजी का जन्मदिन है, तो ये दिन भी डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत एकजुट होकर तन मन और धन से मिलकर यहाँ और हर जगह ब्लॉक्स में पौधारोपण करती है। आज हमने आपको सिरसा की तस्वीरें दिखाई हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में जहां जहां डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत है वहां पौधारोपण किया जा रहा है। कैमरामैन राहुल इंसा के साथ मैं अनिल कक्कड़, सच कहूं के लिए। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।